हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नंदा ऑल राउंडर। तो ये मायका का फर्स्ट ब्लॉग है, मतलब जब सेकंड थर्ड डे का। तो यहाँ पे है ना प्रोसेसिंग चल रही थी ब्रेकफास्ट की मॉर्निंग से। तो ये जो फैला हुआ है इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं उधर बर्तन मांज रही थी और इधर ये मेरी बहन है, बड़ी वाली टिंकल की मम्मी है ये, और है ना ये टिंकी है ना अप्पे बना रही थी। तो यहाँ पे ये सब अप्पे बना रही थी, इधर चाय भी दूध भी चढ़ गया था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर दिया जाए मॉर्निंग का। ये मेरा किचन, यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा रहता है, मतलब दीवार खिड़की नहीं है इधर, तो इसीलिए है ना थोड़ा सा अंधेरा रहेगा, तो इग्नोर कीजिएगा। और डिंकी की है ना यहाँ पे अप्पे की प्रोसेसिंग कर रही है, तो ये सब चल रहा था। और इधर चाय भी बन रही सबके लिए, क्योंकि ये फर्स्ट मॉर्निंग था, मतलब हम गए ना उसके दूसरे दिन का है। तो ये देखिए इस टाइप का, मतलब दूसरे दिन उस दिन गए हम, उस दिन तो सोए रहे, फिर दूसरे दिन का है ये। तो ये देखिए कितना अच्छा, मतलब डिंकी बोल रही थी आज मैं सबको अप्पे खिलाऊंगी, क्योंकि ये टीटू वगैरह बोल रहा था कि आज अप्पे खिलाना। तो यहाँ पे ये हमारे पीछे का मतलब मेरा पुराना घर था ना, तो ये टूट गया है और यहाँ पे ऐसे पेड़ वगैरह रख दिए हैं। तो यहाँ पे है ना मैं है ना कड़ी पत्ता निकाल रही थी, तो ये पूरी मतलब जगह हमारी है। और यहाँ पे बस पुराना घर था, पूरा टूट गया है, जहाँ मैं मतलब पैदा हुई वो वाला पूरा टूट गया था। ये देखिए तो वहाँ पे पेड़ वगैरह लगा लिए है, और वो छोटा घर है हमारा, मतलब चार रूम का है, किचन और चार रूम का है। तो यहाँ पे ये देखिए सब, तो मैं कड़ी पत्ता तोड़ के है ना डाल डिंकी को दे रही थी, और यहाँ पे हम सब लोग है ना बहुत मस्त मज़े से बैठ के है ना खा रहे थे। मैं बना रही थी, डिंकी भी बना रही थी और डिंकी सर्व कर रही थी। तो ये मेरे भाई ये सब हम लोग है ना बैठ के ये लोग खा रहे थे, डिंकी के पापा वगैरह, क्योंकि गर्म गर्म देना था। तो ये मायके व्लॉग मतलब जब तक मतलब अभी दिखा रहे, क्योंकि मैं शादी वाले घर में अभी गई नहीं, हल्दी वाले दिन जाऊँगी, और उसके बाद फिर है ना मैं यहाँ पर है ना कपड़े डालने आ गई थी। ज़्यादा काम मैं नहीं करती, मैं बिल्कुल काम नहीं करती हूँ, लेकिन है ना जैसे कपड़े वगैरह बच्चों ने नहा लिया था सुबह 9-10 बजे, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी है ना कपड़े धो लेती हूँ, नहीं तो धूप हो जाएगी, क्योंकि मैं धूप के बाहर निकलती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखा दूँगी, और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं भी नहा लूँगी। और यहाँ पे आके पता तो है जो भी लेडीज मायके जाती है तो कैसी रहती है, मतलब बैठना खाना यही काम रहता है, आलस आना। और यहाँ पे मेरा ये गिर गया था, तो मैं डबल से डाल रही थी। और अभी मैं ये मेरा कल का कपड़ा था, क्योंकि मैं रात में 2 टाइम नहाती हूँ, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैं ना कपड़ा यहाँ पे सुखा दे रही हूँ, और इस टाइप का मेरा इधर का व्यू, ये देखिए कितना प्यारा। और ये देखिए यहाँ पे मेहंदी भिगा रहे थे, क्योंकि ये लोग है ना मेहंदी, वो मैंने टिंकल के मम्मी मेरी बड़ी बहन को उसको है ना मेहंदी लगाने की ये कर रही थी, मेरा भाई है ना उसको लगा दे, मतलब वो ये कर रहा था, भिगा रहा था, तो भिगा रहे थे सॉरी। और यहाँ पे टिंकल रिक्की, क्योंकि बहुत कम यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, उधर 2 कमरे उधर, मतलब हम बहुत कम जाते, तो यही सब बैठ रहे थे। तो यही बैठ के हम लोग है ना 2-2.5 बजे का समय है, तो मैं सबको वो मेहंदी लगा के दूंगी। और मुझे उसके बाद है ना अपने ससुराल भी जाना था, मतलब जाके आना था, वहाँ कोई रहता नहीं है, 5 किलोमीटर है यहाँ से मेरे मायके से, तो खेत में जाके देखना था कि मतलब कैसा है क्या है। और यहाँ पे डिंकी परी देखिए कैसे ये कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठ के सब अपना अपना इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे ये देखिए डिंकी परी है ना मस्त अपना लैपटॉप चला रहे थे। तो यही कुछ हम लोगों का है, और डिंकी भी देख रही थी और देख रहे थे वो, मतलब वीडियोस वगैरह देख रहे थे। तो यहाँ पे ये खा पी के फिर ये भी बैठ गए हैं, और अच्छा लगता है, बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया। फिर यहाँ पे परी थोड़ी सी बाहर घूम रही थी, शायद नहीं शाम का समय था, हम लोगों को जाना था, ये मैं डायरेक्ट शाम को दिखा रही, हम लोगों को जाना था मेरे ससुराल के गाँव में। तो और ये है टिंकल का भाई सेकंड नंबर वाला रिक्की, तो ये वो मैंने वीडियो भग रहा था। वेलकम बैक इन माय चैनल नंदा ऑल राउंडर। तो अभी हम है ना जा रहे हैं हमारे मतलब ससुराल मोदी में, मतलब यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो वहाँ पे देख आते हैं, घर कोई तो रहता नहीं वहाँ पे, लेकिन खेत है तो देख कर आ जाते हैं, ऐसा तो जाने को मिलता नहीं है, तो जा रहे। तो फिर मैं सुबह से आपको मिली नहीं हूँ, मैं कहा सर चलो बात कर लेते, और ये मोहल्ले में ऐसे आवाज़ आती है, तो फिर आते हैं शाम तक मिलकर। और आज है ना बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सब लोग मना रहे हैं, क्योंकि ये
14 अप्रैल है आज, और इतने अच्छे से मनाते हैं हमारे इधर बहुत ही अच्छे से। बिहार जो बुद्ध बिहार है वहाँ पे भी, और यहाँ पे हर मोहल्ले में आपको है ना खाना पकाते हुए दिखेंगे। यहाँ पे भी सब लोग खाना बना रहे हैं वो चंदा करके और बांटेंगे, और रैली भी निकलेगी आज, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे है ना हम जा रहे हैं रास्ते से, तो यहाँ पे आज है ना मतलब जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती थी। ये हमारा बुद्ध विहार है जहाँ बुद्ध भगवान जी का मंदिर है ने, तो यहाँ पे मैं यहाँ से वीडियो करके जा रही थी क्योंकि मैं मार्केट से जाना था, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे में ना यादें ये हो गई थी जो मैं मस्ती कर, लेकिन सब कुछ बदल गया है अभी। जो मैं कॉलेज के पहले का था मतलब जो वैसा कुछ भी नहीं रहा है, बहुत ही अच्छा न्यू लुक आ गया है। जब हमारे वक्त था तो इतना कुछ नहीं था मतलब, और अभी इतना आगे बढ़ा है। और ये देखिए गार्डन वगैरह, जहाँ देखो वहाँ बाबा साहब की ये लगी थी, और इतनी बड़ी रैली निकली थी गाइस कि क्या बताएं, मतलब 6 बजे से 12 बजे तक लोगों ने, लेकिन हमने गए क्योंकि मैं लेट हो गई थी, मैं ससुराल चली गई थी मोदी में, तो वहाँ पर मेरी मौसी भी रही थी, उनके यहाँ बैठ गई, तो साथ वहाँ पर भी बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम हो रहा था। ये मार्केट, तो यहाँ से हम लोग हमेशा कपड़े लेने आते थे, और हमें बहुत याद आ रही थी। और ये यहाँ से सीधे मेरे ससुराल मतलब 5 किलोमीटर है मायका और ससुराल, तो वो मतलब ग्राम पंचायत है, तो यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे मोदी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से आपको मतलब डिंकी को बता रहे थे कि मैं यहाँ पे ऑटो चलाता था, यहाँ पे खड़ा रहता था मेरा ऑटो, तो ऐसे कुछ डिंकी को बताते बताते जा रहे थे, और डिंकी भी फुल एंजॉय कर रही थी, उसको भी बहुत एक्साइटमेंट थी कि मतलब हमारा के देखना ही। तो ये देखिए यहाँ पे, और थोड़ी सी वॉइस आ रही होती इग्नोर करिएगा, और कितना अच्छा व्यू है, मैं इनका चलो रास्ते का भी याद रह जाएगी कि हम यहाँ गए थे, कभी आना होता ही नहीं होता है। तो ये है ना हम गांव की तरफ निकल गए ससुराल की तरफ, तो ये हमारे गांव से, और जहाँ ये यहाँ रेलवे स्टेशन का ये पटरी या ये डिंकी बोल रही थी, यहीं से अपन गए थे ना पापा, ऐसे कुछ ऐसी बात चल रही थी। तो इस टाइप का हमारे इधर का व्यू है गाइस, तो देखिए आप लोग और इन्जॉय कीजिए। मैं थोड़ा सा तो ये देखिए जहाँ पे हमको पहुँचना था वहाँ पे हम पहुँच गए, और ससुराल में कोई रहता नहीं है हमारे यहाँ, बस घर पड़ा है और खेत है, क्योंकि सब लोग मतलब शहर इधर बच्चे इधर उधर हो गए पढ़ाई के लिए, तो वैसे ही पड़ा है, कोई रहता ही नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है, बस घर बांध के पड़ा है। तो देखिए गाँव भी बहुत, आजकल गाँव के भी खेत घर कितने सुंदर बने, और ये है ना यहाँ पर गाड़ी रख के हमारे खेत में जा रहे, तो हम ये पीछे के रास्ते से जा रहे थे, तो आगे वाले रास्ते से नहीं। ये देखिए तो मैं डर डर के जा रही थी, और वहीं पे खेत पे है ना हमारे जेठानी भी थी, तो वो ककड़ी वो है ना मतलब पूरा खेत में सब्जी वगैरह जो बोई थी ना वो निकाल रहे थे। ये देखिए तो ये इस टाइप का पूरा सूख गया था, जब जब सिद्धार्थ जी गए थे ना तब मेरी नंद वगैरह तब तो यहाँ पे बुआई हुई थी, पूरा ग्रीन ग्रीन लग रहा था, लेकिन अभी सब कट गए शायद, ये चने हैं और इधर सब्जी वगैरह लगा रही है, और यहाँ पे जेठानी है ना वो ककड़ी है ना निकाल रहे थे, सब्जी मारकन जो भी लगाया है, तो वो डेली खेत में आते हैं, और उन यहाँ देखिए कितना बड़ा कुआ है, ये कुआ का पानी इतना मीठा है, इस कुएं का बहुत ही मीठा है, पूरे गांव के लोग ले जाते थे पहले। और यहाँ पे है ना ये लोग हम लोग देख रहे थे, तो ये लोगों ने देखो ककड़ी वगैरह लहसुन वगैरह सब निकाल लिए, तो वो बोल रहे थे घूमो खेत, तो हम लोग है ना खेत देख रहे थे, और डिंकी परी बता रही थी, मैं थोड़ी मतलब ये कर रही थी, तो यहाँ पे डिंकी को बता रही थी ये ककड़ी है, ये है क्या बोलते हैं जैसे बैंगन वगैरह, मुझे नहीं पता खेत में क्या है, और ये जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं ना वो ऑरेंज के हैं, लेकिन ऑरेंज इस बार नहीं लगे बोलते, अभी आने का है,
तो यही बस कुछ दिखा रहे थे। और डिंकी के पापा तो बहुत खुश थे और बता रहे ये है भिंडी है। और बच्चे भी मस्त इंस्टा वगैरह रील्स वगैरह फ़ोटो वगैरह निकाली इन लोगों ने। तो व्यू आपको कैसा लगा गाइस तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं सोची कि चलो आई हूँ तो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि रहता कोई नहीं, बस जाके हमको फिर यहीं पर मेरी मौसी भी रहती है तो मैं उनके यहाँ भी जाके थोड़ी सी नाश्ता वगैरह कर लूँगी, क्योंकि आज है ना वहाँ पे भी यहाँ पे भी बुद्ध विहार में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था। तो ये यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने डिंकी बोल रही थी बहुत कम आवाज़ आ रही है तो वॉइस ओवर करना मम्मी, तो यहाँ पे मेरी है ना आवाज़ थोड़ी आपको अलग आ रही होगी, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया, क्योंकि आप जान सकते हो कि पानी है ना थोड़ा सा ये हो रहा है। और ये लहसुन निकाल के देख रहे थे, मतलब देखिए घर की खेती है। और ये जेठ है ना थोड़ा सा उधर दिखा रहे थे, इधर कुछ बता रहे थे तो उधर ये जा रहे थे। बहुत मेहनत करते हैं उनके बच्चे ना, इतने अच्छे इंटेलिजेंट हैं दोनों बच्चे, एक मुंबई में और एक नागपुर में कुछ कर रहे हैं, मतलब अच्छा लगता है। क्योंकि जेट को एक लड़का लड़की है वो यहाँ पे नहीं मिले थे। और ये देखिए कुआं कितना बड़ा है, बहुत मीठा पानी रहता है और यहाँ पे है ना झीरे आते हैं। मैं देख रही थी लेकिन मुझे डर लग रहा था, तो पूरे गांव का पहले पानी है ना यहीं से ले जाते थे लोग, अब तो नल आ गए हैं लेकिन पहले ना पूरे लोग यहाँ पर आ जाते थे। और ये लोग भी जा रहे हैं, अभी हम भी जाएँगे तो फिर हम डायरेक्ट है ना जेट के यहाँ जाएंगे, थोड़ा सा उनके यहाँ मिल के आएंगे। और फिर वो भी जा रही है भोपाल, क्योंकि आपको बताया था ना मेरी छोटी नन के यहाँ उनके सास का ये है, एक साल हो गया था लेकिन हमको यहाँ आना था इसलिए हमने जाएंगे। और वो जा रहे हमारी जगह उनके यहाँ, तो लेकिन उन्होंने उनके और वो हमारे घर उनके और हमारी मुलाकात नहीं होगी, इसलिए मैं यहीं से उनके घर मिल के आ जाऊँगी। वो भी दो दिन में वापस आ जाएगी, तो ऐसा है। तो ये देखिए हमारा पुराना घर जहाँ पे हम रहते थे, लेकिन कोई नहीं रहता है, इतना अच्छा बना के रख दिया हमारे ससुर जी ने लेकिन कोई नहीं रहता है। तो ये सब बता रहे थे, ये पुराना दादाजी के हाथ का वैसा ही पड़ा है फोटो, यहाँ पे टीवी रहती थी और यहाँ पे जैसा है ना वैसा ही है, क्योंकि कोई और यहाँ पे बस अभी जो खेत का माल निकलता है ना, जो सामान कपास वगैरह वो सब यही रखते हैं। तो क्योंकि और ये सीढ़ी है तो सीढ़ी का हाल भी देखिए क्या हो गया है, मतलब अभी अभी का घर है ये लेकिन कोई रहता नहीं। तो बोलते हैं ना इंसानों से घर भरा रहता है तो बना रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं तो मतलब घर की भी हालत। लेकिन बाकी देखो लोगों ने दो दो मंजिला बिल्डिंग, जब मेरी शादी होकर गई थी ना कुछ भी ऐसे घर नहीं थे सिवाय हमारे थे। तो ये देखिए बहुत इतना खेत है हमारे यहाँ, और मैं भी है ना पीछे पीछे, फिर मुझे डर लग रहा था छत पे चढ़ने से तो मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि जेट वगैरह थे तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस टाइप का हम लोगों का घर है और यहाँ पे वो शायद कुछ एरंडी जो रहता है ना वो सुखा रहे थे। और ये बता रहे थे कि मैं यहाँ पे बैठता था, ऐसा मेरा मतलब उनको अपने बच्चों को अपनी यादें दे रहे थे कि मैं यहाँ पे रात को सोता था ऐसे वैसे ये बता रहे थे। और जब भी मैं ऊपर आता था टीवी रख देता था यहाँ पे ऐसे। और ये देखिए अंबेडकर बाबा और गौतम बुद्ध की इतनी अच्छी, ये आगे का व्यू है। फिर उसके बाद मैं ना अपनी मौसी के आ गई, ये देखिए मेरी मौसी वही रहती है मेरे ससुराल के, मतलब पुराने घर के पास रहती थी। तो यहाँ पर ये मेरी मौसी का एक हाथ नहीं है तो बस थोड़ा सा दिखाया। उसके बाद ये देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर की ये निकल रही थी रैली। ओके तो ये देखिए फिर हम घर वापस आ गए, तो देखिए हमारा मार्केट की मतलब कितना अच्छा सजा है, क्योंकि दो साल के बाद पूरी शायद ये रैली निकल रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जब मैं जेठानी के घर गई ना वो बाद में नेक्स्ट वाली वीडियो में एडिट